आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ समर स्पेशल कच्चे पोहे से बनने वाला एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक नाश्ता, जो बहुत ही कम तेल मसालों, बिना इनो बिना सोडा के बनाया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी होता है। खाने में बेहद टेस्टी होता है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर सुबह के नाश्ते में सिर्फ 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 1 बाउल पोहा लिया है मैंने। इसे हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे 2 बार, ताकि इसमें जितना भी धूल मिट्टी रस्ट हो सारा दूर हो जाए। यहाँ पर नॉर्मल पोहा मैंने यूज़ किया है, जिससे हम पोहा घर में बनाते हैं नाश्ते के लिए। अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इन्हें भीगने के लिए 3 मिनट तक रख दें। इतना पानी डालें जिसमें पोहा अच्छी तरह से डूब जाए। जिस कटोरी से बाउल से हमने पोहा लिया है, उससे 1/4 भाग हम सूजी ले लेंगे और 1/4 भाग ही हम यहाँ पर लेंगे दही। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बाउल में और इनका पेस्ट बनाकर हम साइड में रख देते हैं। अभी आपको इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, सिर्फ दही और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इन्हें साइड रख दें। पोहा में जो एक्स्ट्रा वाटर हमने डाला था वो निकाल देते हैं और इन्हें अब हम 3 मिनट तक इस तरह से फैला के रख देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो पोहा सोख लेगा और पोहा हमारा ड्राई हो जाए। तो इसके लिए हमें ड्राई पोहा ही चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से फूला हुआ सॉफ्ट पोहा चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैश हो रहा है। तो हथेली की सहायता से ही हम इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। कुल हमें 5 से 6 मिनट का टाइम देना रहता है पोहा को। 3 मिनट तक हम पानी में भिगो के रखेंगे और 3 मिनट तक हम इसे ओपन रखते हैं। इसके बाद इस तरह से आप अच्छी तरह से हथेली की सहायता से इन्हें मसल लें। अब सूजी और दही का जो पेस्ट हमने बनाया था वो भी इसमें डाल देते हैं और अब इन सबका हम अच्छी तरह से एक डो तैयार करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कप करते हुए पोहा और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और दिखता भी बहुत ही अच्छा है हमारा नाश्ता। और थोड़ा सा यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाला है, कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और एक डो के फॉर्म में हम इसे तैयार कर लेंगे। यह इंस्टेंट से बनने वाला नाश्ता है। आप फटाफट से इसे सिर्फ 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है और बच्चों को भी कुछ ना कुछ यूनिक खाना होता है। तो यहाँ पर अब मैंने छोटे छोटे से बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसका हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके ना। छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे पहले और उन्हें उसके बाद इन्हें हल्का सा हम इस तरह से टिक्की का शेप दे देते हैं, प्रेस कर देंगे। तो सारी टिक्की आपको इस तरह से पोहा की बनाकर तैयार करना है। इसके बाद एक जाली वाली प्लेट लेंगे, उसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे और सारी हमारी टिक्की हम इसमें रख देंगे। तो अब हम इन्हें कुल मिलाकर स्टीम करेंगे। तो स्टीम आपको 12 से 15 मिनट तक करना है हाई फ्लेम पर। यदि आपके पास इस तरह की स्टील की छन्नी ना हो तो यदि आपके पास आटा छानने वाली छन्नी है उसमें भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो इसे अब हम ढक देंगे और 15 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 15 मिनट पकाने के बाद हम इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें निकाल के हल्का ठंडा होने देंगे। तो यह स्टीम की भी टिक्की भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे ऐसे भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चे तो इसे ऐसे भी खाना पसंद करते हैं, बट हम इसे हल्का सा तड़का लगा लेंगे जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये। तो 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, इसमें थोड़ा सा राई जीरा डालेंगे, हींग हो तो हींग डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल डाली है 1 चम्मच के बराबर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 3-4 आपके अनुसार डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता डाला है। इन सबको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। अब इस तड़के के अनुसार ही हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स और डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी जितने भी पोहा की टिक्की है वो डाल देते हैं और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन पोहा की टिक्की को आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें, किसी भी चम्मच से आप चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी टूटती नहीं है। इन्हें हम 2-3 मिनट पका लेंगे, गर्म कर लेंगे और इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करें और इन टिक्की को आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टिफ़िन में पैक करके, उन्हें भी पसंद आएगा। गर्मियों में बिना ज़्यादा देर किचन में खड़े हुए आप यह नाश्ता फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की यह पोहा की स्टीम टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस तरह के यूनिक आइडियाज़ मिलते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।